पहाड़े सुंदर बनाया मेरा देश डोगरा, बूटे बूटे सजाया मेरा देश डोगरा। सचमुच दोस्तों अज मेरे पिछे जी हरियाली दिखा करते और खास करिए रूएं दे फाए फाटे अंगर जमी दी बर्फ इस इलाके की दिखिए तो उससे समझियो कि अज किहड़े क्षेत्र का यह कार्यक्रम मैं थोड़े कन्ने साझा कर लूँगा। पर दसना जरूर पड़ना ये साड़ा जम्मू का पहला सैर सपाटे वाला क्षेत्र है, वह है पत्नीटॉप ते कुद इलाका। अज कुद ग्रां की संस्कृति, इतों की सभ्यता, इतों का इतिहास थोड़े कन्ने साझा करने के प्रयास के अस आए पुजे हाँ कुद ग्रां। जाने दा ना सुरगेश सोना लखो साड़ा करा, सुरगेश सोना लखो साड़ा करा। मिठड़ी जवान डोगरी भाषा आंदी है जिंद जान, घरां दे लोकें दी है मिठड़ी जवान डोगरी भाषा आंदी है जिंद जान। सारे कोला शैल दोस्तों कुद दे विच खास करिए पहचान है बाबा चेतो का यह देव स्थान, जिस देव स्थान पर मत्था टेकिया इतों का आशीर्वाद थोड़े कन्ने साझा करा करने, इतों के माणू इंदे कन्ने गलकत करने पुजारी खास करिए इस स्थान के मंत्र इंदे कोला पुछना चाहते हैं भाई इस स्थान जिहड़ा है यह किन्ना पुराना है ते की इस देवते की स्थापना इत्थे हुई। बुजुर्ग जी क्या नाम है तुहाडा? मेरा नाम चैन सिंह है। चैन सिंह जी जी ये बावे का जो स्थान है किया इतने स्थापना हुई? ये स्थापना का कोई अस भेत नहीं है, कोई बजुर्ग ही है साड़ी पुराना जी, हाँ कोई ये गल नहीं है कि कई सौ साल पुराना है जी, कई साल पुराना समझो कई सदियां समझ लो। कि इंदा तुस बना दियो कोई वार्षिक ध्याड़ा जां कोई दिन वार जिहड़ा बना दियो किहड़ा बना दियो? ऐतवार वीरवार जिथे भिड्डू बकरे भी चढ़दे ने जी, और इंदा भंडारा भी हुंदा है जी, सब कुछ काम। कि मुख्यता किहड़ी मान्यता जिहड़ी है लोकें दी ये पूरी करदे? जो कोई अपने दिल सच्चे दिल तो मंगे मन तो पूरी कर दे, तो मन तो लेइए लोग आते कोई भिड्डू ले आता कोई बकरा लेइए भी आता कोई रोट प्रसाद ले आता। कोई इक्के धर्म जात इसी मनती है जा हर जाति धर्म के लोग? हर हर जात दे मनते। वो कई लोग हैं जी इधर मतलब कई बंदे ऐसे भी हैं कि वो कम करते कि अस दुए मजहबे कन्नै शामिल होइए, असें कोई एका कम छीता देवी देव मेरे चुकी है तो बहर सुटे फिर उन्हें फिर भी वापस लेना पे कोई समय आने, क्योंकि अस अपना मजहब और देवी देवत मजहब नहीं छड़ सकते।
जिंदे सिर पर कुल चले दा होवे उने ही पुलन नहीं हुंदा हुन थोड़े छड़ सकदे। दोस्तों कुद दी पहचान जी असे पहले दसी है कि बाबा चैतो जी दे नाकने है और चैतो जी दा जेड़ा स्थान है पवित्र उस स्थान पर अस आए पुजे हैं। पहले असे देखिया जिथे हुंदे आ चौकियां खास करी पेदियां संगला पेदियां हुन एक स्थान है जिथे पत्थर दे कन्ने जेड़ा बाबा जी दा स्थान बने दा उस स्थान दा भी मत्था टेकिया इत्थों दा की इतिहास है वह भी तुहाडे तक पहुंचाने दा प्रयास करने। दोस्तों ये जरा मुख्य स्थान है एक शिला के अंदर निकी जी गुफा है और उस गुफा के मूर्ति स्थापित है बाबा जी की और इनके जो मंत्र ने उनके कने गलत करने जानने खास करिए कि इतिहास है और की अपने श्रद्धालुओं का निवारण करने ये देवता जी मंत्र जी के ना है थोड़ा जोगिंदर सिंह नाम मेरा। जोगिंदर जी की इतिहास है इस बाबे का और किन्नी मान्यता है लोगों ये बड़ा प्राचीन होली केव है बाबा चेतो जी इनका नाम है बाबा चेतो जी ते इंदी मां इंदे कन्ने आ माता अब्दू जी ते काफ़ी प्राचीन है मतलब हजारा साल पुराना है। बावे की इजाजत है कि 12 बजे तक गए पूजा करनी उस तो बाद इंदा अलग रूप हो जाता और फिर बाकी यात्रियों की मना क्योंकि इन्हें अपनी ध्यान से आना होता और इंदे बड़े सारे रूप जो तुम पूछा दे कि बड़े रूप न इंदे कई बारी मनुख रूप च भी आ जाते काफ़ी लंबे सफेद कपड़े साफ साक्षात तुस चाहे दुनिया के कुत भी कोने च होगे दिले चा दिले को तुस मन्नत करनी दिले को अरदास करनी थोड़ी तकरीबन अवश्य पूरी होग। इतने जो कुद की खास करके दिखे जा ते बाबा की किन्नी असीम कृपा कुद का देखो जी बाबा जी की असीम कृपा गै इतने कोई किसी किस्म की वो नहीं है कोई मिली डेंस मतलब इन्नी कश्मीर जम्मू कश्मीर च लेकिन इत्थे पूरी शांति इत्थे कोई किसी किस्म की नहीं है कोई अद्धी अद्धी राती भी चलते बाबा जी की पूरी कृपा है ते कोई किसी किस्म का वो नहीं है पूरी शांति है मतलब बिल्कुल पीसफुल एरिया है। बाद अगर शांति है तो कुद च है तुस पूरे जम्मू कश्मीर अगर शांति है तो कुद च है ये मैं फखर कन्नै आखी सकना बाबा जी कृपा कन्नै ते सब ठीक ठाक चला करा दिले कोला मत्था टेको अरदास करो ते एक चीज अस और दिखने हैं खास करिए दूर दराज के ग्राएं के लोग जिहड़े होंदे वो कुत बीमार मानते पे हैं तो डॉक्टर को घट ज़्यादा देवी दुआल दुआल को जाते हैं और देवता जिहड़े ने वो साक्षात उनके कोल ने डॉक्टर बनी है उनका साथ देते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं क्या इतने भी इन्नी आस्था है। बिल्कुल ये रियलिटी है इस कोई दो राय नहीं है ऐसी गल नहीं है परमात्मा है तो सब कुछ है ना ये परमात्मे की कृपा है और ये देवी देवते की कृपा है। बड़े सारे बीमार लोग जड़े डॉक्टरों को ठीक नहीं होंगे है तो में भी इतने ठीक होंगे दिखे आपे चलते आए इतने ईवन के तुम हम हसने वाली गल सुना एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया हा मतलब काफ़ी वो हा तो उसकी लाड़ी मत्था टेकी बैठी घरे का गए कि मैं इन रुट्टे आटा भेजी उड़ी बाबा देवत्या इन चलते आने चाहिए तेरे दरबार हूँ 10 मिनट पहले थोड़े को गया बंदा चढ़ाने की कोई नहीं है कि जरूरी है बाबा देवते की रोट गै चढ़ाओ बाबा देवते की कोई बली गै चढ़ाओ तुस इत्थे एक फुल लेने आगे श्रद्धा करने रियलिटी आखा कोई मजाक नहीं है कि तुस इत्थे एक फुल लेने आगे नहीं हो फुल भी नहीं लागे दिले को लागे थोड़ी अवश्य पूरी वो कोई ऐसी गल नहीं है जरूरी है कि तुस इत्थे पैसा दक्षिणा गै चढ़ागे तो तां गै वो ऐसा कोई विचार नहीं है ते वैसे वो कुतै भी नहीं हुंदा लेकिन इत्थे वासना दे श्रद्धा दे अगर तुहाड़े दिले श्रद्धा है ते सब जंदा
ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਏ ਇਹਨੇ ਕੁੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਲਾਦੀਨ ਅਲਾਦੀਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਏ ਇਹ ਜਿੰਪੈੜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੀ ਮੰਨਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆਹੋ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਚ ਜੇਤੂਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸੱਚ ਵੀ ਆਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਨ ਤੁਰ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਥ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਉਧਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਧਮਪੁਰ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸ ਦਿਖਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੰਨੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣਾ ਮੈਂ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਉਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਗੁਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂਦੇ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਲਾ ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਨਿਸੰਤਾਨ ਦੰਪਤੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਖ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਖ ਹਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਰੁੱਟ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਭਿੱਡੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਖਾਣਾ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁੱਧ ਇਲਾਕਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਲ ਸਕੋਪ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਝਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨੇ ਬੌਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲੇ ਖਰੀਦੀਏ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਇੱਕ ਪੀਓ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖਰਚੀ ਹੈ ਬੋਤਲ ਅਸ ਪਾਣੀ ਪੀਚੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਅਸ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹਨੇ ਝਰਨੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੌਲੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕੱਥ ਕਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁੱਧ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ये बोली दे बारे च तुस जानकारी लेना चाहते हो। ये बोली जड़ी है प्राचीन महाराजे दे स्वामी महाराज ने इत्थे तप किया। ये बैरी नाग श्रीनगर का पानी ये उन्हें लाया जी, अपने तप करने उन्हें अपने तप करने लाया। इस एरिए बिच कोई पानी दी कोई नहीं थी जी। और कोई आवश्यकता नहीं थी। उहदे बाद के होया कि इस बोली की खासियत यह है कि इस सर्दी के टाइम बिल्कुल गर्म हो जाता ते गर्मी के टाइम बिल्कुल ठंडा हो जाता। अस लोग बर्फ की जिन्नी मर्जी बर्फ पेदी होवे अस फिर भी इतने नहाने आते और जल अर्पण करते हैं। अस मंदिर है भोलेनाथ का तो, और इस जो सा ग्राउंड है इस जी सी बारिश की वजह कने तूफान की वजह कने मतलब रुकी है। इसी भी अस रोकना चाहते हैं। ये बोली की बहुत ही ज़्यादा जड़ी बूटी वाला पानी है तो ये पानी जड़ा प्राचीन पुराना पानी है। इस पानी की सप्लाई भी पूरे खुद और चनैनी तक जाती है साड़ी ब्लाक चनैनी दे बेच। मिले नहीं गुड़ पावा मैं चाय बिना नहीं रहा। दोस्तों खास करके चाय का नशा तो अज बच्चे बच्चे की नवी पीढ़ी की है। पुराने बुजुर्ग दुध धंधवाला घर का होंगे, दुध पीया अपने जाना उन्हें तंदुरुस्त रखी दियाँ काम धंधा भी करते हैं, पर अज की नारंगी चाय का नशा। पर चाय च खंड नहीं मिले तो गुड़ के भावें चला, पर चाह जरूर पीनी है। नार बैठी दी उनके कने गल कथ करने उनके मन की गल तक पहुँचाने का प्रयास करना। क्या नाम जी थोड़ा? संतोष देवी। संतोष जी, संतोष उलग हों जल्द सवेरे चाय का कप थोए जा भी हो? नहीं, चाय का कप थोए। चाय का कप थोए पर इस गीता दे विच बोलावा करते हैं भी सस आपू चाय का कप पीनी तो नूह ही लस्सी नसीबे च आवा कर आपू डकारी उठनी जी। नहीं गाने इयो मतलब के हुन चाह बनावे मतलब होवे ते गाना बनदा ते ओदे कप विच पावे लस्सी, मतलब मेरे कप विच लस्सी पावे आपू चाह भी है। पर अजकल चाह बनाने दा कम ते नूहे दा नूहा गै। हां ते पुराने जमाने च हुंदा है ना ऐसा, अजकल नूहा गै करदियां इह कम चाय चाय दा रसोई दा। हां चाय दा आपू पी लंदी ते लस्सी सस्सू ही दिंदियां। इक गल खास करिए अस दिखा करने आ, अस लोक शहरीकरण दे विच डुबदे जा करने। हां जी, ग्राएं च पहले नारा जिले भी कुदै बेलियां होनिया जां कोई खुशी का मौका होना आपू बिच मिली है अपने इले डोगरी गीत गांदियां हां, पर अज क्या वो तुहाड़े इलाके च चला दा जां भुल्ली गए अनुसार? नहीं चला दा। चला दा कोई ब्याह कारज है तां? हां, पर जियां हुण अगला महीना लोहड़ी वाला महीना वाला। हां जी, अगे ग्राएं च लोहड़ी बड़े तमचड़े पाउंदे हे, कुड़ियां किट्ठे होइया लोहड़ी मंगदियां हां, जागत हिरन कचाड़दे हे। क्या तुसें गी ऐ चेता जां भुल्ली गए सब कुछ? नहीं है चेता, जरूर है चला दा ग्रां विच साडे। उआं आउंदा कोई लोहड़ी वाला गीत? हां नहीं लोहड़ी वाला गीत नहीं, ओ इयां आंदे मतलब हरन शरन बनाइए
पर जिहड़ियां कुड़ियां किट्ठियां वी जांदियां हां टोली बनाई है वह भी कुछ लोहड़ी वाले गीत गुणगुणांदियां हां कोई चेता नहीं रहिंदा हुण भलाई हेठ ते अगे बच्चे नूं की दसगे वी लोहड़ी की हुंदी आपू गै भुल्ली गए एक चीज़ होर है हुण बच्चे पढ़ाई लिखाई च अगे आवा करदे क्या ग्राएं दे बच्चे क्या शहरां दे बच्चे पढ़ाई दे विच अगे वधन पर पढ़ाई दे कन्ने कन्ने उनेंगी खेल कूद च भी मौका मिला करदा तुस क्या अपने बच्चे की मौका दिंदे हो कोई खेल कूद च भी अगे जाओ ना रोशन करो खास करिए बच्चे हां जी हां बच्चियां पढ़दियां थोड़ियां पढ़ा दी बच्चियां बेचारी पढ़दी पर पहले तो पढ़ाते नहीं जल्द थोड़ा टाइम हा माँ प्यो तौले गया हाथ पीले करिए सुरखरू होंगे अच्छ मौका देना चाहिए कुड़ियां हां देना चाहिए बराबर दा क्या कुड़ियां मोड़ा बराबर होंगे मेरे ख्याल च मुड़े कोला ज्यादा कुड़ियां कुड़ियां ज्यादा अगे पढ़ा दी भी हैं इयां भी ज्यादा तेज भी हैं कुड़ियां हर गल्ला बड़े हेड़मा दे डाले ते कुन्ना इहदे गड्डे लायो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र दे विच कम काज बड़ा करने पौंदा भावें ओह नारा भावें बंदे क्योंकि जिमीदारी पर ज़्यादा मुतसर बारह दा बालन भी ढोइए घर आना पौंदा चुल्हा तां बलदा छोटी छोटी बच्चियां ने इंदे मना च की गल्लां ओह भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करने बच्चू के नाम है तेरा सुलक्षणा सुमरिया बच्चू पढ़दियां हां केड़ी क्लास है बारहवीं च बारहवीं पढ़ा करते हो तो कन्ने कन्ने कई बार कुड़ियों का प्रभार होंगे घर के खेतरे बाड़ियाँ भी जाने पौंदा गोडियां बाड़ियाँ जाने पौंदा हाँ जाना पौंदा कितना मुश्किल होंगे पढ़ाई के कन्ने कन्ने जिले खेतर बाड़ी भी सामभनी मत मुश्किल तो होंगे पर क्या करना करना पौंदा करने पौंदा की सोच रखी दी है पढ़ी लिखी है अपने आप की कुछ स्थापित करना चाहते हो सोच ये रखी थी कि कुदै अग्गे पुज्जना कि ये नहीं करना कि जियां साढ़े मम्मी पापा ने कीते दा इत्थें कि ये कोई खेती बाड़ी तो करनी पर अगे अपने नौकरी तक अजकल अस दिखा करने पे कुड़ियां जड़ियां ना वो खाली घर तक महदूद नहीं है उनकी सीमा बड़ी दूर तक चली पुजी दी है कुड़ियां अज साढ़े हवाई जहाज भी उड़ा कर दी बंदे को कुसा सूरत से घट नहीं तुहानू लगता कोई ऐसी बंदिश है कि अस बंदे को मुड़े को घट पढ़ने सू मौका नहीं मिलता नहीं मौका तो मिलता पर अस भी घट नहीं ना घट नहीं है एक चीज है जियां अस पुराने तुहाड़ियां बुएं कोला जां अपनी चाचियां ताइयां कोला पता लगता जिल्लै उंदा जमाना हा उन्हें पढ़ने नहीं दिंदे माँ प्यो तौले गए हत्थ पीले करने सुरखरू करना ते वो सनांदियां होणियां तुहानू कोई गल्लां ते उन्हें दिखिए कि मना ही हुंदा भई काश उन्हें भी मौका मिलता ते अज स्थिति कुछ होर हुंदी हां बिल्कुल ही है लगदा एक चीज है हुण कुड़ियां जियां पहले आखे बंदे कोला घट नहीं कुसे भी कम्मा फील्ड च अज सियासत दे विच भी कुड़ियां आवा करदियां पढ़ी लिखी दी कुड़ियां कई बार साढ़े लोकल जिहड़े इलैक्शन होंदी है पंचायती दी उहदे विच भी हिस्सा लईए अगे बड़ी चढ़िए प्रयास करदी है अगर तुहानू मौका मिले कदे पढ़ी लिखी ते अपने ग्रां दी की सोच है कियां डिवेलप करने की कोई सोच आउंदी मन च सोच तो बड़ी आंदी की तुस पहला प्रयास करगे अगर मौका मिले ते पहला प्रयास ये है कि जेके नशा बंद करवाने का फिर स्वच्छ भारत अभियान
जो सारे प्रधानमंत्री जी चलाए करा दे अपने ग्रां दे विच सफाई कन्ने सारे जिन्हें भी लोग न जो पुराने बजुर्ग न उन्हें इन्ना पता नहीं सफाई के बारे उन्हें जागरूक करना उन्हें सारे आपू समझाना अपने भाषा बिच जी। कई स्कीम ऐसा होंगे जो ग्राम प्रधान पहले होंगे उन्हें अनपढ़ होने की वजह कने उन्हें पता नहीं लगता भाई ब्लाक स्तर पर सू मिली सकता पर पढ़ी लिखी पीढ़ी अगर उधर भी चावा सियासत च उन्हें की सारा पता होंदा भाई किड़ी स्कीम कुत्थों होंदी है उधर कन्ने फर्क पौंदा। हां बिल्कुल पौंदा। एक चीज हो रहा है आज अस दिख रहे हैं पे साडे समाज पर एक बड़ी बड़ी कुरीति है वो है दहेज प्रथा दी। दाजा लई कई साड़ियां तियां भैणां जलाई दित्ती जांदियां मारी दित्ती जांदियां उन्हें लोभी लालचियां की उन्हें लोभी बेड़ियां की किस सुनेहा देना चाहते हो? सुनेहा ये देना चाहते कि अस ती भैणां क्या कर सकदी ज्यादातर सोच होना चाहिए मुंडे की वह ये बोली सकते अपने माँ प्यो कि अस दहेज नहीं लेना चाहते दहेज कने किश नहीं बनी सकता अगर वह एक बैड उपर सोई सकते दूआ बैड जरूर चाहिए उन्हें एक बैड उपर अगर बैड नहीं नहीं भी दे सकते थले बंदा बिस्तरा पाइए सही सकता जरूर है दहेज देना। एक चीज और अगर कुड़ी की शिक्षा मिली वो अपने पैरों पर खड़ोइया तो दहेज प्रथा उदे कने भी कटी सकती। हाँ बिल्कुल बच्ची दे मना पर ठोर रखना पौंदा जिल्ले घर अपना वो तो बड़ा ज्यादा रखना पौंदा के बोला मना च सोच उन्हें को शुरू हुई और नहीं था कि बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों सच गला कर दिया ना पर तियां किन्ना लाड पांदियां अपने माँ प्यो दे घर बचपन है वह गुडियां पटोले बड़े हुए घर की संवारना सजाना तो फिर वह घर एक दिन बगाना हो जाना डोली च पैर रख दे गया वह सारे रिश्ते छुट्टिया ने नवे रिश्ते बनने पौंदे बड़ा बड़ा कलेजा होंदा उन्हें तियां का जिहड़ा अपना घर छड़ी है तो दूआ घर बसांदी है अपने माँ प्यो की लाज रखते हैं ये संस्कृति का हिस्सा। एक होर सुने जा गीत सुने फिर कुसा और बच्ची का मन टटोलिए उनके मन की गल भी तौर तक पहुँचाने का प्रयास करना। नवी पीढ़ी बैठी दी है उन्हें कने गल कथ करने उन्हें मना दी गल भी तौर तक साझा करने का प्रयास करना है। बच्चों के नाम तेरा? श्वेता सुंबड़िया। श्वेता जी तुम भी पढ़ती हो? हाँ। केड़ी क्लास है? बारहवीं। बारहवीं पढ़ा कर दिया अजकल बारहवीं पढ़दियाँ कुड़ियाँ जल्द कॉलेज स्कूल पुजदियाँ तो पहला नंबर एक चीज़ का कतल कर दियाँ अपनी मातृ भाषा का स्कूलें जाइए तो हिंदी तो अंग्रेजी कोशिश कर दियाँ क्या अपनी भाषा की भुलना चाहिए? नहीं भुलना चाहिए वैसे क्योंकि ये साड़ी स्टार्टिंग सा भाषा होंगी है मातृभाषा है साड़ी डोगरी इसी नहीं भुलना चाहिए अस ये बोलनी चाहिए। अजकल आते साड़ी भाषा जी अठवें शड्यूल च भी शामिल है आई एस के पेपर भी कुसा देने होने तो क्वेश्चन पेपर डोगरी च मंगी सकता कोई ना नहीं करी सकता क्योंकि अज तो कई बरे पहले 2002 च 22 दिसंबर की मान्यता मिली ही पर साडे डोगरे उसी भुलदे जा करदे उहदे कन्ने के मना की होंदा पे अस डोगरे होइए भी डोगरी नहीं बोलगे तो फिर कुछ बोल कुछ लोग होंदे कि डोगरी भुली जांदे पर नहीं भुलनी चाहिए क्योंकि हर किस्म च आंदी गै डोगरी हर पेपर च कोई भी केवल हिंदी दा दिंदा गै पेपर च पर डोगरी च भी पेपर देना चाहिदा है। आखदे भाई कोई भी भाषा बंदा बड्डे होइए सीखी सकदा पर अपनी मातृभाषा दोबारा नहीं होंदी। हाँ जी हाँ हिंदी इंग्लिश तो सीखी सकदा पर डोगरी तो स्टार्टिंग सा सीखी होंदी मातृभाषा होंदी ना।
ਉਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੋਗਰੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੋਗਰੀ ਟੀਚਰ ਚੰਡ ਤੱਫਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਗੀ ਕਿਆ ਡੋਗਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਹੋਈਏ ਅੱਗੇ ਫਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ हाँ पर बोलते हैं कि नहीं हिंदी उन हिंदी बोलनी चाहिए थी क्योंकि अगे उन हिंदी के काम आनी थोड़े डोगरी काम नहीं आनी है इसलिए बोलते हैं कि हिंदी बोलनी तुसे पंजाबी जेड़े अस दिखने पंजाब प्रदेश है पंजाबीयत की वो कदे नहीं खोना चाहते क्या वो कुदा स्कूल कॉलेज या अगे बड़ी नौकरियों पर जिले जाते अपनी पंजाबी दी कारण कोई पीछे रही जाते नहीं वो तो पंजाबी बोलते हैं वो नहीं छड़ते अपनी पंजाबी पर अस छड़ना पौंदी पन्नी बोलते हैं कि अगे अस डोगरी बोलन तो साड़ी सुनदे नहीं है कोई भी असें हिंदी के बोलना होंदी वो पंजाबी बोलन तां भी वो करदे हैं एक चीज है खास करी कुड़ियां में पूछना भाई डोगरी चलो घर बैठे बोला दी हां जी हां ਮਤੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦੀਆਂ ਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 59 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ 59 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 59 59 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਲਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ 59 ਦਾ ਕੋਈ 69 ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ 79 ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਬੇ ਦਾ ਵੀ 59 ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਕੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਦੀ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਪਰ ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਉਂਦਰ ਲਿਖੇ ਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ ਪਈ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾ ਮਿਲਦੀ ਟੀਚ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾ ਸਾਰੇ ਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਸ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾ ਕੇ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬੇ ਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪਰ ਮਾਰਲ ਵੈਲਿਊਸ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰ ਧੁੱਪ ਦਿਖੇ ਦੇ ਪਰ ਕੁਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਐਸੇ ਨਜ਼ਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਪਰ ਬਈਆ ਧੁੱਪ ਸਿੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੀਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੰਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤਵ ਛੁੱਪੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੋ ਬੇਅਜਨਾ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੋ ਏਡੀ ਕੇ ਮਜਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਓ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੋ ਬੇਅਜਨਾ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੋ ਏਡੀ ਕੇ ਮਜਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਰਸੋਂ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਬੇਅਜਨਾ ਸਰਸੋਂ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਦਿਲ ਕੋਲਾ ਕਾਈ ਅਸ ਜੋ ਕੱਜੋ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਸਰਸੋਂ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਬੇਅਜਨਾ ਸਰਸੋਂ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਦਿਲ ਕੋਲਾ ਕਾਈ ਅਸ ਜੋ ਕੱਜੋ ਫੁੱਲੀ ਹੋ ਅੰਬਰੈ ਤਾਰੇ ਹੋ ਬੇਅਜਨਾ ਅੰਬਰੈ ਤਾਰੇ ਹੋ ਚੰਬੇ ਦੀ ਚੋਗਣ ਬਤੇਰੇ ਦਿਖਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਓ ਅੰਬਰੈ ਤਾਰੇ ਹੋ ਬੇਅਜਨਾ ਅੰਬਰੈ ਤਾਰੇ ਹੋ
चंबे दी चोगन तेरे दिखने नजारे हो। बड़ा खूब, बड़ा सुरीली और मिठी पहाड़ी धुन दे विच इन्हें गीत गाया। एक और भाई ने ये भी कुछ गुनगुना कर दे। भाई जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नसीब चंद है जी। नसीब चंद जी तुम भी कुछ गुनगुना करते हो? स्वासें च सुमाई गई है तू, स्वासें च सुमाई गई है तू, अखियें च देस बसदा, स्वासें च सुमाई गई है तू, अखियें च देस बसदा। सुदिये दा मेला कुते मिंजरे दे गीत वे, सुदिये दा मेला कुते मिंजरे दे गीत वे, बड़ा गल बेला मेरा देश अल बेला वे। चीड़े पिछू चन चढ़दा, चीड़े पिछू चन चढ़दा, चन बड़ा शैल लगदा, स्वासें च सुमाई गई तू, अखियें च देस बसदा, स्वासें च सुमाई गई तू, अखियें च देस बसदा। बड़ा खूब दोस्तों, सचमुच अपने डोगरा देश की किन्ना मान ते किन्ना सम्मान इस गीत ने दिता है। मन खुश हो जाता है जिल्लै कोई डोगरी भाषा, डोगरी संस्कृति ते अपने इतिहास की खंगालने का प्रयास करता है। दोस्तों एक पहाड़ी क्षेत्र कुद का इलाका है जिथे हर जाति धर्म के लोग आपू बिच एक गुलदस्ते दी रौंदा। जी हाँ, फुल्लें का गुलदस्ता जिल्लै किट्ठा होंदा तो खुशबू उहदी महक निकलती है। अज असीं पहले राजपूतां दा घर गीत संगीत सुनिया। मुस्लिम घर है, पूरा परिवार है, बिच हिंदू भी भाई साथी खड़ोते, किन्ने आपू बिच प्यार मुहब्बत है। भाई जी क्या नाम है तुम्हारा? गल जी मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है, मैं इतों का नागरिक रहने वाला। मुश्ताक जी पहले तो आखते भावें हिंदू भावें मुस्लिम भावें सिख या ईसाई, बिल्कुल अपनी धरती से जल्द जन्म लेंदे उन्हें मता फकर हों, डोगरा होने पर कि फकर है तुम? बहुत ज़्यादा फकर है सर, अस नहीं समझने कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब तो पहले अस माहू हाँ, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह तला ने असें माहू बना दा, ते उसके बाद अस हिंदू हाँ, उसके बाद अस मुसलमान हाँ। सब तो पहले असं माहू मनने की जरूरत है, इंसानियत धर्म चेता होना चाहता अगर बाद बिल्कुल उस पर साड़ा विश्वास है और साड़ी फैमिली का भी इस पर विश्वास रहा। तो पिछले दौर च मेरे पिता जी सरपंच रहे इस इलाके, मैं भी रहा पिछले दौर च, तो भाईचारा जोड़ा है साढ़े वास्ते सब तो बड़ा मजहब है जी। अस साढ़े वास्ते बड़ा महत्व रखता है, तो पहाड़े के लोग हाँ, अजकल सर्दियों का दौर दौरा है, एक दूए आला दे बुलाई लैंने, कुसै को जन्या नुहाड़ा हाल पुछने, कोई साढ़ा हाल पुछने, साढ़े गुआंढी साढ़े साथी हिंदू भरा ये साढ़े आंदे, अस इंदा हाल चाल पुछने, बौने वक्त गुजारने। इस बारी बर्फ थोड़ी घट पई तो अस बची गए, वरना पूरे हिंदुस्तान इस वेल्ले बड़ी ठंड है, तो लोग बड़े ठहरते हैं, बड़ा बुरा हाल है। तुम्हारी धुप्प जी बहुत वधिया, बहुत वधिया धुप्प है जी। देखो तुस आपे लाई लाओ हिसाब कि जियां बसाख लग गया, तो यह है कि थोड़ा जिहा वक्त गुजार लैने इधर, एक दूजे को आई जाइए, एक दूए पता लैने। मुश्ताक जी पता लगे भी तुम थोड़ा थोड़ा अपने डोगरी गीतें ही गुनगुनाते हो, कोई साढ़े दर्शकों लिए भी कुछ शब्द? जरूर जी, हूँ अस बुढ़े वाले हैं, कुछ जमाने से बड़े गाते हैं, तो चलो अगर जनाब आखा दे तो कोई गल नहीं, थोड़ा जहाँ तुम सुनाने एक अद्धा सुनाओ। ये तुम जानते होने कि एक हिमाचल का गीत था, जुग दियो धारा दियो गुजरो, तो यह जुग की धारा इतों शुरू हुई है और उत्थे हिमाचल तक जाती है, तो ये पर एक गीत है वो थोड़ा जहाँ गुनगुनाना मैं। जुग दियो धारा दियो गुजरो जुगरियो दारा दियो गुजरा देना मेरे गाडा जाब सिखाओ बाबू मेरा गाड जंग लतिया कोई लंदा हथारी दरटियो बाबू मेरा गाड़े जंग लतियो कोई लेंदा हतारी दरटियो ठंडा ठंडा मगडूरा पनियो किया करी पीना मेरी जानियो ठंडा
ठंडा मगरूरा पानिया शंबलाई पीना मेरी जानियो जुगरियो तारा दियो गुजरा देना मेरे गाडा जो मसिकाओ सुख दुख चारता दयाड़े ओ बिरिया सा मानू बनी जाना ओ जुग जियो तारा रियो गुजरा देना मेरे गाडा जो बसिकाओ। बड़ा खूब बड़ा सोना दोस्तों, खास करिए युग की धारा पर बसने वाले गुजरें की यह स्नेहा दया करते भाई जेडे गाड़ है उसी बसीका दया करते हैं, पर वह धार जी सचमुच हिमाचल कन्नै जुड़ती और हिमाचल की जी शैली है उस कन्नै कन्नै गाया। उम्मीद करने तुस पसंद किया होना। कुछ साढ़े इस परिवार की बच्चे ने इंदे कन्नै भी गलकत करने। क्या नाम जी तुहाडा? तानिया। तानिया जी पढ़ते हो? जी हाँ। केड़ी क्लास? बीएड कर रही। बीएड करा दी? बीएड करा कर दिया। पर एक चीज़ मैं थोड़ा पूछना चाहना, भाई खास करिए कुड़ियां ही चाहे साढ़े डोगरें दी हुण जां तुहाड़े धर्म दी हुण जिल्लै कॉलेज स्कूल पुजदियां अपनी मातृ भाषा का कतल कर दियां, क्या अपनी भाषा ही भुलना चाहिए? भुलना तो नहीं चाहिए, पर जिसल असी बाहर जाना तो उत्थे लोग जड़े वो ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग तो हिंदी या उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, जिदे वजह करने असी थोड़ा इं अपने दिल च महसूस होंगे कि अस थोड़े पहाड़ी इलाके दे, उस वजह करने असी भी उनके रंग रंगोना पड़ना। पर एक चीज़ है आखते भी मातृ भाषा बंदा बाद च नहीं सीखी सकता, दुनिया भाषा तुम बाद च बड़ी सीखी सकते, तुम अपने देश की छड़ी विदेशी भाषा भी सीखी सकते हो, पर अपनी जी मातृ भाषा नहीं आती, फकर होना चाहिए अपनी मातृ भाषा पर? हाँ फकर तो होना चाहिए, आँदी तो असी पर आखते ना जैसा देश हुए नया देश तो अस उत्थे जाइए उनके कन्ने हो जाते, तो जिसले इतने आते तो फिर अस डोगरी गल कर उठते फिर डोगरी गल कर उठते। एक चीज़ और थोड़ा खास करिए तीज त्यौहार चाहे थोड़े मुस्लिम धर्म के या हिंदुओं के हो, जल्द आपू पिछे भाईचारा हो तो मिली बट्टी सारे बनाते हैं, कदें दिवाली या ईद उपर अपनी सहेलियों कन्ने कुछ सुख दुख दे जब तीज त्यौहार बंडे? मैं आपू होस्टल च रहती हाँ तो मेरी सारिया जड़िया रूममेट हाँ वो सारिया हिंदू ही हाँ, तो मैं उनके कन्ने दिवाली उपर पूजा भी कर लैंदी, तो मेरे कन्ने ईद ईद दियाँ मिठाई ईद दियाँ सेवियां भी खाई लैंदी, असं कदे इस गल उपर किया नहीं। अगर तुस यकीन मनगे तो इतने साढ़े जिन्हें भी मुसलमान के घर अस बराबर की दिवाली मनाने, इन्ने पटाखे तो इन्नी खुशी इतों के हिंदू लोग नहीं मनाते जिन्नी अस मनाते हैं। बिल्कुल सच गला करते, और सानू बंडने की कोशिश कोई करता वो बगाना मुल्क होता। तुहाड़ा की नाम जी? सना। सना जी तुस भी पढ़ते हो? केड़ी क्लास? मैं 12वीं दे पेपर दिते। 12वीं दे पेपर दिते ते की सोच रखी थी की बनना हुण बड़े जी? बड़े होइए मैं डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना? सचमुच डॉक्टर बनी है तो जिला ब्याह होगा तो सौरियां की तुम भी कटना टीके लाई लाई? ना मैं अपनी देश की सेवा करनी। देश की सेवा करनी है ते जा सस जे अगो मुंह बाके ते बस टीका लाई ना? ना सेवा करनी सास हाँ, बिल्कुल। दोस्तों ये नवी पीढ़ी खास करी पढ़ी लिखी है सोच बदलती है, हूँ एक पुराने बुजुर्ग ने इंदी कोला भी गल कत करी कुछ पुराना इतिहास जानने। माँ जी के नाम है थोड़ा? श्री बेगम। माँ जी किन्ना प्यार मुहब्बत था पहले जेड़ा खास करिए लोगों ने ग्राएं दे बेची किन्नी एक जुट होंगी? बहुत प्यार मुहब्बत था, बहुत प्यार मुहब्बत। 47 को बाद अस इतने आए और अस इन्हें लोगों कन्नै इन्हें लोगों असें मुसलमान नहीं समझिया, असें इन्हें हिंदू नहीं समझिया, साढ़ा एक टब्बर एक परिवार एक चीज़ एक भाईचारा बौना खड़ोना खलोना सब कुछ। 30 साल मेरे घरे आले मुबारक सैन ना होंदा उन्हें सरपंची की थी, अपना भाईचारा बहुत चंगा चलाया, अच्छी जिंदगी गुजारी। हूँ अगे अगे अस इ्यै चाहते नवी पीढ़ी है जी वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे, वो इतनी मुहब्बत प्यार कन्नै गुजारे, एक दूए का सहारा बन जाने, एक दूए उन्हें एक दूए इंसान ही समझन। एक चीज है जिया कोई आज कुसा दा घर कोई मृत्यु होई जांदी कुसा शख्स दी जी कुसा माणू दी तो कुदे जिया साडे हिंदू दे लकड़ी जांदे ने जां तुहाडा कोई मिट्टी दिंदे ने आपू पिछे ए है रखे दा? हां क्यों नहीं है जी क्यों है सारे मतलब जन्म मरण दी जिन्नी खुशियां ना 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 असे एक आवाज मारनी होदा सारे सारा सारा जितना भी है खुद सब साडे आदर हो जांदा। दोस्तों सचमुच अगर एकता भाईचारे दी मिसाल दिखनी है तो अज जिस ग्रां की संस्कृति मैं थोड़े कन्नै साझा करा ना
उत्थों का सचमुच लब्भा करती है। मेरे कई ऐसे विदेशी जिहड़े साढ़े लोग न वह प्रोपोगंडा करते हैं कि साढ़े हिंदुस्तान दे विच हिंदू मुस्लिम दे विच भाईचारा नहीं, पर जमीनी सतह पर तुस आओ देखो किन्ना प्यार मुहब्बत, किन्ना आप विच मेल मिलाप, किन्ने तीज त्यौहार भी साझे हुआ करते हैं, वो इतने जमीनी स्तर पर आइए लभदे हैं। इस संस्कृति का हिस्सा थोड़ा कहीं साझा करें दोस्तों। दोस्तों कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे की देखी तो खास करिए इतों के लोगों लोगों के भाईचारे की देखी, मन तो नहीं करता कि अस इतों का रुखसत हो जाए, पर समय इतने मजबूर अज की कड़ी अज का अंक इतने के संपन्न करने अस आगे चाहते हैं। हाँ अगर तुम अपने ग्रां से ही साधा देना चाहते हो तो कैंटी मार सकते हो साढ़े इन नंबरों पर। ये कन्ने कैमरामैन दीपक तो मिगी प्रवीण शर्मा की दिवा गया। जय जम्मू, जय डुगर, जय भारत। ठंडिया मिठिया वावा चुलिया अंबे ते बौने दी छां, देवी दे दुआले ओण चौंकिया घोड़िए सुहाग दा समां। ठंडिया मिठिया वावा चुलिया अंबे ते बौने दी छां, देवी दे दुआले ओण चौंकिया थोड़ी सुहागे दा समां। इन सीधे साधे लोग कन्ने भैया गल कत करने दा अपना मजा, तुसी आओ साढ़े गा